हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आई अलका वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बड़े दिनों के बाद आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं क्लासिकल मकैनिक्स के टॉपिक रिजिड बॉडीज पे और हमने आगे टॉपिक कवर करने हैं सेंटर ऑफ मास रदर फोर्ड स्केटरिंग स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसमें हमने पाथ देखना अल्फा पार्टिकल का डिफ्रेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम तो बिना वक्त ज़ाया किए है, चलते हैं हमारी वीडियो के पास और इसमें मैं आपको बता दूं जिसने अभी तक कैपलर्स लॉ नहीं पढ़ा उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दी है तो फटाफट जाइए उस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ तीन या चार मिनट की वीडियो है जिसमें आपके पूरे के पूरे तीन कैपलर्स लॉ विद एक्सप्रेशन मैंने वहाँ कवर किए हैं तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के पास तो आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मास बेसिकली सेंटर ऑफ मास कहते किसे हैं सेंटर ऑफ मास है एक ऐसा पॉइंट किसी बॉडी का जहाँ पे सारा का सारा उस बॉडी का मास कंसेंट्रेट होता है दैट पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड जहाँ पे सारा का सारा मास किसी भी बॉडी का कंसेंट्रेटेड हो उसे क्या बोलते हो सेंटर ऑफ मास द प्रॉपर्टीज़ फॉलोड बाई सेंटर ऑफ मास विल बी एप्लीकेबल टू होल सिस्टम कहता कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी डायरेक्शन की या एनी प्रॉपर्टी जो भी सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा वो पूरे के पूरे सिस्टम पे अप्लाई होगी जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी जो होती है सेंटर ऑफ मास की मतलब कोई मास अगर मूव कर रहा है किसी भी फ्रेम में मतलब कोई भी बॉडी मूव करिए किसी फ्रेम में तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कब कौन से फ्रेम में इन लैब सिस्टम अब मैं आपको बताऊंगी लैब और सेंटर ऑफ मास सिस्टम में फर्क क्या है उससे पहले फटाफट नोट कीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन लैब सिस्टम बेसिकली कहता है अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करे ना तो उसके बाद आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो होगी वो कंजर्व रहेगी एक बार डिस्कस करती हूँ लैब सिस्टम और सेंटर ऑफ सिस्टम है क्या लैब सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है वही दो फ्रेम्स हमने जैसे ऑलरेडी हम लेते हैं एक फ्रेम एस और एक फ्रेम एस डैश दो फ्रेम्स वैसे के वैसे ही लेने हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो अब जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा इट इज़ एट रेस्ट लैब सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो रेस्ट पे होगा और सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो फिक्स होगा विद सेंटर ऑफ मास यहाँ पे फ्रेम इज टोटली एट रेस्ट यहाँ पे फ्रेम इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट विलोसिटी अगर वो मूव करेगा तो बॉडी भी मूव करेगी डन उसके बाद बात आती है रदर फोर्ड स्केटरिंग की रदर फोर्ड स्केटरिंग में सिर्फ आपने एक छोटा सा फॉमूला याद करना है दैट इज बी इज इक्वल्स टू जेड ई स्केयर अपॉन ई टेन फाइव बाई टू बी जेड ई स्केयर अपॉन ई टेन फाइव बाई टू बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या बताती हूँ जेड अटोमिक नंबर हो जाएगा ई e चार्ज हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और टेन फाइव बाई टू आपको एंगल दिया हुआ है तो यहां पे देखते हैं फाइव इज आपका स्केटरिंग एंगल बेसिकली जब कोई बॉडी स्केटर कर जाएगी बी इम्पैक्ट पैरामीटर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द वैक्टर विलॉसिटी वैक्टर फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बाई एक बॉडी में सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूँ टेंजेंट या कुछ भी तो एक जो लाइन सेंटर से पास हो रही है उसका पर डिस्टेंस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर कहता अगर बी बढ़ेगा टेन फाइव बाई टू कम होगा ठीक है और इसका मतलब फाइव जो स्केटरिंग एंगल है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर बी ज़ीरो हो गया तो टैन फाइव बाई टू वन एट्टी डिग्री फाइव जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा पार्टिकल विल बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे उसके ऊपर बॉडी के ऊपर पड़ा वैसे ही वो बैक हो जाएगा नेक्स्ट आता है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन इसको सिग्मा थीटा से करते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है इसके यूनिट्स होते हैं बार्न एंड इफ दिस इज द इफेक्टिव एरिया नो नंबर ऑफ स्केटरिंग इन अ गिवन एरिया बेसिकली इफेक्टिव एरिया या स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्केटरिंग हुई है तो वन बन की वैल्यू होती है माइनस ट्वेंटी एट मीटर स्केयर पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदर फोर्ड स्केटरिंग इज हाइपर बोला और हाइपर बोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है ये आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं ये आपको चीज़ें लर्न करनी है उसके बाद आ जाता है हमारा डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन इसके लिए वट इज डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन इट इज अ फंक्शन दैट मेजर द रेट एट विच द स्केट पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड एट ए गिवन एंगल मतलब ये क्या बताता है रेट बताता है कि कौन से रेट पे स्केटेड पार्टिकल जो पार्टिकल सपोज करो एक बॉडी है उसके ऊपर एक पार्टिकल ने स्ट्राइक किया अब ये पार्टिकल स्केटर हो जाएगा स्केटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन में जाएगा मतलब अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा डिविएट फ्रॉम द पाथ इज नोन एज स्केटरिंग बेसिकली कितना कितने रेट से कितनी स्पीड से स्केटड पार्टिकल जो है इट कैन बी डिटेक्टेड एट अ गिवन एंगल एक पर्टिकुलर एंगल पे उसे डिटेक्ट करना कि उस किस एंगल से स्केटर हुआ है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब आपने देखना है कितने एंगल से स्केटर हुआ है पार्टिकल एक गिवन एरिया में फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बस इसको इतना सा याद रखना है कि साइन फोर फाइव बाय टू फाइव आपको स्केटरिंग एंगल दिया हुआ है और वहाँ क्या था टेन फाइव बाई टू यहाँ क्या है साइन की पावर फोर फाइव बाई टू ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं इसको याद रखना दिस इज गिवन बाय अदर फोर्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ई क्या है बेसिकली एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास दो तरह के फ्रेम आते हैं इनर्शियल फ्रेम वही जिस जो रेस्ट पे होते हैं ये कॉन्स्टेंट विलोसिटी से मूव करते हैं नॉन इनर्शियल मतलब जो रेस्ट पे नहीं होते एक्सेलरेट करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी ड्यू टू द एक्सेलरेटेड मोशन अब कोई भी सपोज uh, करो फ्रेम है वो मूव करी जा रहा है मूव कर जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नहीं है मतलब कुछ और डिस्टेंस है इक्वल टाइम में ठीक है तो इसका मतलब बॉडी भी ऐसे ही मूव कर रही होगी बॉडी ऐसे मूव करेगी जहाँ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाए आपको पता है फिजिकल्स टू एम ए होता है जहाँ एक्सेलरेशन चेंज होगी वहाँ पे फोर्स लगेगी बॉडी पे और उस फोर्स को आप बोलते हो फिक्टिशियस फोर्स तो बेसिकली फिक्टिशियस फोर्स क्या है दिस इज द फोर्स ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में तो बॉडी रेस्ट पे होगी क्योंकि फ्रेम रेस्ट पे होगा या फिर अगर बॉडी मूव करिए तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर बॉडी एक्सलरेट करे ठीक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वहां पे फोर्स अप्लाई होती है जिसे आप कोरोलिस फोर्स बोलते हो अब सॉरी फिक्टिशियस फोर्स बोलते हो अब फिक्टिशियस फोर्स दो तरह की है या तो कोरोलिस होगी या सेंट्रीफ्यूगल ये दोनों जो फोर्सेस हैं इसके एक्सप्रेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कोरोलिस फोर्स किस वजह से होती है अगर बॉडी लीनियर मोशन में मूव करे दिस अराइज इन द केस इफ द पार्टिकल इज़ मूविंग विद द लीनियर विलासिटी एंड सेंट्रीफ्यूगल कब आती है जब बॉडी क्या कर रही हो रोटेट कर रही हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर किसके लिए सेंट्रीफ्यूगल के लिए ठीक है यहाँ देखेंगे दिस इज द वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम कौन सा वाले की बात कर रहा है ये कोरोलिस की बात कर रहा है ध्यान रखना लीनियर वेलोसिटी होती है जब यहाँ एक्सेलरेशन क्या होती है माइनस टू ओमेगा क्रॉस आर और यहाँ क्या होती है माइनस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर ठीक है जी अगर फोर्स लिखना है फोर्स क्या होता है एफ इजिकल्स टू एम ए ठीक है मतलब एम से इसको मल्टीप्लाई कर दो मतलब माइनस टू एम क्योंकि ए तो है तो ही है फोर्स क्या होता है एम ए एम ए क्या था माइनस टू ओमेगा क्रॉस आर सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी माइनस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर इसको भी एम से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं याद रखना द करोलिस फोर्स जो होती है ये कब होती है जब कोई बॉडी कैसे मूव करे लीनियर मोशन में हो विल जनरेट एन एडिशनल वेलोसिटी अलोंग द ईस्ट ये करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इसके रिजल्ट्स हैं कुछ वो ज़रूरी नहीं है अगला हम करते हैं अगली वीडियो के साथ अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए